मैंने कहा पूरी देंगे फिर आराम से पूरा कैसे जमा कराना, मेरा दिक्कत है, हम कैसे बेकार लेंगे। मैडम ये फ्रिज का भी करते हैं ना, वो हमारे जान का हूँ अभी बोला था ना आपको, तो मैंने कर देंगे भाई। खाली वाली का भी कितना है खाली सुबह तो पूरा कम नहीं चल रहा, पूरा ही कम बात करवा दी मैंने खाना उन दरवा दी मैडम, नहीं तो फिर वो रसीद के भी कटवा लेना आप, रसीद भी 700 रुपये उसके 700 की रसीद अलग कटेगी1200 रुपये मत आना, परसों के दिन आओ, परसों के दिन बाकी तो कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है अपना साड़ी नवा के दाना, ठीक है अगर पूछे तो कहना, नहीं तो नहीं कहना, पूछे तो नहीं तो नहीं कहना, ठीक है। सरपंच साहब ने मेरे पास पहले तो मेरे घर का ये बोला कि 5000 रुपये ले लेना, दे देना आप, हाँ। और आपके जो मम्मी का पट्टा है उसके तो 10000 रुपये लगेंगे, हाँ। और सर मैंने जब बात की तो कि वो अगर आप पैसे मैडम मेरे से क्यों पैसे ले रहे हो, क्यों नहीं आपके पैसे थोड़े बहुत लगेंगे, हाँ। आपको देना पड़ेगा, जबकि उसकी कोई रसीद नहीं थी मेरे को, और सभी ग्रामवासियों से ही पट्टे के पैसे ले रही है, अवैध रूप से वसूली कर रही है, जिसका हमने मेरे भाई से मिलकर मैंने वीडियो बनवाया, और मेरे पास जब है ना वो फंसी तो उसके पास जब वीडियो भेजा तो वो मेरे पास कॉल करके बोली कि ऐसा ऐसा मामला है, तो मैंने उसको घुंघरा करके मतलब ऐसे बात कही कि मैं हाँ बात कर रहा हूँ, देखा कौन है ये, कौन वीडियो बनाने वाला, मैंने उससे पूरी तरह बात की तो वो ना पूरी तरह घबराई हुई थी कि मेरे को बताओ ये कौन है, मेरा रिकॉर्डिंग करने मेरे को फंसा सकता है, बुरी तरह फंसा सकता है, कान्हा राम जी मेरे को बचाओ, तो मैंने ना इस रिकॉर्डिंग को मेरे भाई को दे दी मैंने, और मैंने जो भी बात कही उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, 10000 जो नवनीकरण के मांगे मेरे भाई से वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, और पूरी तरह जनता को लूट रही है अनशन। आपका नाम? मेरा नाम कान्हा राम। सर मैं पट्टे बनवाने के लिए मैडम साहिबा से मिला, मैडम मेरी 2017 की रसीद कटी हुई 70 रुपये की, मैडम मेरा पट्टा बनवाना है, तो उसने बोला आप शाम को बात करना, मेरे फोन पे बात नहीं होगी, तो मैं मैडम से मिला तो वो बोली आपके पट्टे के 10000 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं मैडम मेरा पट्टा जल्दी से जल्दी,
मतलब 2 साल पहले रसीद कटी हुई, जल्दी बनवा देना। तो उसने मेरा पट्टा बनवा दिया, 10,000 रुपये लिए थे उसने। फिर मेरा कोई 1985 का पट्टा था, उसका मैंने नवीनीकरण करवाने के लिए उससे बात की थी। हाँ तो मैडम इसका क्या होगा डिमांड जो भी आप बोलो। तो उसने कहा 10,000 रुपये लगेंगे। तो मुझे कोई बात नहीं, मैं पट्टा लेके आ जाऊँगा मैडम, आप नवीनीकरण करवा देना इसका। तो मेरा पट्टा 400 गज का था, तो उसने कहा इसके 20,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने 10,000 रुपये उसने मेरे से लिए सर। और कई ऐसे मेरी पंचायत खातों में कई ऐसे फरियादी है जिनसे पैसे लिए हैं और पैसों की मांग कर रही है। तो आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है? बिल्कुल, मैंने उसकी वीडियो बनाई है पैसे लेती के, उसके ऑडियो भी है। उसने मेरे से मांडवाली करने की भी कोशिश की थी, कुछ पैसे दे के इस मामले को निपटा लें, लेकिन मैंने 1 रुपये नहीं लिया क्योंकि मुझे करप्शन बर्दाश्त नहीं है। मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है और वो मेरे साथ कुछ भी करवा सकती है क्योंकि वो पावरफुल है। अब आपकी क्या मांग है? अब आपने आज MLA साहब को ज्ञापन दिया, किस तरह से कार्रवाई? मेरी ये मांग है सर कि भाई उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कितने समय से चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल? भ्रष्टाचार लमसम चार साल हो गए लमसम, जब से कुर्सी पर बैठी है ग्राम पंचायत कातोली में तब से ये प्रोग्राम। कोई SCB में आपने शिकायत करी इसकी अभी तक? बिल्कुल, मैंने SCB सर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैंने तो कोशिश की वीडियो बनाने की, मैंने वीडियो बनाई, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ सर। ठीक, आपका नाम और पद? मेरा नाम गीसालाला है, ग्राम मोहनपुरा पंचायत कातोली तहसील किसम। मामला है सर, हमारा गांव पंचायत में पट्टा बन रही है, तो पब्लिक नो जो भी जा रही है आ रही है शिकायत आ रही है रोज़ के मांग पट्टा का पैसा ले रही है, पैसा ले रही है। तो मैं 2-3 बार मैडम को बोला भी मैं पट्टा का पैसा मत लो, तो मैडम क्या आपका काम करो, मेरा काम है करना है, आपका काम नहीं है। तो हमारे जनता का हर रोज़ शिकायत आ रही है उसकी, तो उसको रोज़ मनाते मानते नहीं, वो कोई 15,000 ले रही है, कोई 20,000 ले रही है और चुपचाप ले रही है। तो सर उसका मैं उठाया मामला और ये वीडियो हमारे आई कि और रिकॉर्डिंग आई, तो मैं उसको जांच करवाई और कल अखबार में उतरवाई इसकी और इसकी कड़ी में कड़ी अपन तो जांच चाहिए सर, पूरी जो भी दोषी होगा सामने आ जाएगा। उप सरपंच साहब कब से चल रहा है, क्यों किस तरह से लोगों को परेशान किया? ये सर चल रहा है साल भर, तो ठीक चली पंचायती। हाँ। साल भर बाद में यही चलता रही है, हमेशा भी चलती रही, साल भर के बाद में यही घोटाला चल रहा है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम काड़ू राम है, उप सरपंच ग्राम पंचायत खातोली मोहनपुरा गाँव। ठीक चल रहा है, ये पंचायती राज का सबसे बड़ा मामला मेरे सामने आया है कल, जिसमें वीडियो दिखाया गया और उस वीडियो के आधार पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें बदमाशी है, बाकी जांच होने पे पता चलेगा क्या स्थिति है। और मैंने कलेक्टर साहब से इस बारे में बात कर ली है, पंचायती राज में मैंने बात कर ली है और इत्तेफाक से मेरी कल विधानसभा में परसों बैठक है इस बात को लेके, पंचायती राज डिपार्टमेंट ही मेरे सामने है, तो जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, उनको मैं पूरा वीडियो पूरी शिकायतें गाँव वालों की सारी करा के इस पंचायत के सारे कारनामों की जाँच कराऊँगा। सर ग्रामीण आज आपसे कंप्लीट जांच होगी, चाहे पट्टे देने का काम हो, चाहे कोई डेवलपमेंट का काम हो, चाहे पंचायत समिति के द्वारा कराया गया काम हो। जानकारी ये भी मिली है कि BDO वहाँ उपस्थित नहीं था, सरपंच वहाँ उपस्थित नहीं था, उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया, उस प्रेस नोट में उनकी उपस्थिति दिखाई गई, जबकि मैं सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ तो सेक्रेटरी मुझे ये कह रहा है कि न तो BDO साहब आए थे और न ही कोई सरपंच साहब आई थी। उसके बावजूद अगर प्रेस नोट में दिखाया जा रहा है तो ये कहीं कहीं मुझे नहीं सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है, आम जनता तो गुमराह हो रही है। और इसके पीछे सरकार का मकसद, इन ग्रामोत्थान शिविर के पीछे सरकार का मकसद था कि आम आदमी को कैंपों में पट्टे वितरित हो, कैंपों में आसानी के साथ पट्टे वितरित हो, इसीलिए सरकार ने किया था। पर ये सरकार का मकसद, ये ऐसे लोग अधिकारी फेल कर रहे हैं जो झूठ बोल के जनता को तो गुमराह कर ही रहे हैं पर सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। विधायक, मैं इन सबके खिलाफ जाँच बिठाऊँगा और मैं ये इस जनता के सामने प्रॉमिस करता हूँ कि इनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे सामने कोई भी हो।